हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इजी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन करी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, टेस्टी और बिल्कुल देसी स्टाइल में है। आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा, बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल देसी स्टाइल में सिखाऊंगी मैं ये बनाना, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। फ्रेंड्स, ये आधा किलो चिकन है, जिसे मैंने थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा नमक मिला के रख दिया था आधा घंटे पहले। आधा घंटा हो गया है, ताकि इसके अंदर जो नमक है थोड़ा अब्सॉर्ब कर ले, और इसे सॉफ्ट भी होता है, इसलिए ये मैंने डाला है। सॉफ्ट भी चिकन होता है। फ्रेंड्स, चिकन करी बनाने के लिए ये चार मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, चार प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 10 से 12 लहसुन है, और 4 से 5 मिर्च है, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, और 5 से 6 लौंग हैं, और 2 तेज पत्ते हैं। इन सब चीज़ को छोटा छोटा स्लाइस में कट करके और इसे फिर ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में इसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब ये जो चिकन हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तेल गरम होना चाहिए, इसको फ्राई करेंगे, और देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे जैसे फ्राई किया है हमने, वैसे ही सारे जो चिकन हैं उन सबको फ्राई करके रख लेंगे। सारे चिकन फ्राई हो गए हैं, निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो साबुत मसाला था। पहले जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाला है। उसके बाद तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी और लौंग का जो था सारा वो डाल देते हैं साबुत। अब ये जो खड़े मसाले डाल दिए हैं, और इसमें हम प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट था टमाटर का वो डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, पकाएंगे, जो प्याज, अदरक, लहसुन का जो हमने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया था उसे भूनेंगे अच्छे से। देखिए जो सारा प्यूरी था, जो इसका सारा पानी जो सूख गया है, इसको धीरे धीरे ऐसे ही और चलाएंगे और पकाएंगे इसे, जब तक इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक इसे और पकाएंगे, इसको और सुखाएंगे। देखिए अब इसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, जो प्याज अदरक का प्योरी था। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च, और 1 चम्मच गरम मसाला दिया है, और आधा चम्मच धनिया दिया है। सारा इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, और इसे भी अच्छे से बिल्कुल मिलाएंगे जब तक जो कलर चेंज हो जाए, जब तक बिल्कुल रेड कलर हो जाए। थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कलर चेंज है। देखिए मसाला बिल्कुल तैयार है, कितना अच्छा कलर आया है। इसमें तेल जो है ऊपर आ गया है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, जितने भी फ्राई करके चिकन रखे थे उसको डालेंगे। कितना अच्छा कलर आया हुआ है, इसको चारों तरफ से मिलाएंगे, अच्छे से मसाला मिलाएंगे। अब देखिए इसमें अच्छा सा भुन गया है, मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम 4 चम्मच जो है 4 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे, दूध डालेंगे। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि दूध डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, अलग फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा, इसलिए इसमें दूध डाला है मैंने। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, जिससे कि अच्छे से पक भी जाए और थोड़ा ग्रेवी भी हो जाए। तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, कम चाहिए तो आप कम पानी डाल सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक, क्योंकि पहले भी डाला था इसलिए मैंने नमक डाल दिया है अभी। और जब पानी डालने के बाद डाला है मैंने, क्योंकि पानी डालने के बाद तो पता चल जाती है क्वांटिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग नमक डाला जाता है, ताकि ये ग्रेवी में भी नमक हो जाए।
ये कितना अच्छा कलर आया है हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। चिकन करी बिल्कुल रेडी है हमारा। अब गैस बंद कर देंगे हम। देखिए बस हमारा चिकन करी रेडी है। इसमें वो बस धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे और बस ये हमारा चिकन करी रेडी हो गया। टेस्टी चिकन करी जो देसी स्टाइल में है, बहुत ही टेस्टी है। इसे आप खाइए और घर में ज़रूर ट्राई करें। चाहे इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। चावल के साथ खाना है आप ज़्यादा पानी डाल के ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। फिर रोटी के साथ खाने के लिए मैंने बनाया है, इसलिए गाढ़ी ग्रेवी है ये थोड़ी। और आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।